जय हिंद साथियों, मैं आकाश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एग्जाम रूम में। तो आशा करता हूं आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को बताएं, एयरफोर्स 02/2025 का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और फॉर्म जो भरे जा रहे हैं आपके 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो एयरफोर्स वाई ग्रुप नॉन साइंस ग्रुप में जो रागा वाला सेक्शन होता है उसमें मैथ्स का सिलेबस क्या होता है, आपको कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो पूरी वीडियो आप देखिएगा, ज्यादा आपका टाइम मैं नहीं लूंगा। तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं 8 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान रखना, और 18 अक्टूबर से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप होता है नॉन साइंस ग्रुप, उसमें जो आपका सिलेबस रहता है, मतलब एग्जाम पैटर्न जो रहता है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, रागा के 30 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और अगर मैं एक तरीके से देखूं तो 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, टोटल 45 मिनट का समय आपको मिलता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो इसमें जो मैथ्स वाला पोर्शन होता है, देखो ये जो रागा है इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं आपके, जीके जीएस, रीजनिंग आपका होता है, एक होता है आपका मैथ्स जो कि जनरल मैथ्स होता है, नॉन टेक्निकल मैथ्स जिसको कहा जाता है, ध्यान रखना। तो इसमें जो आपका सिलेबस रहता है आप देख सकते हो एक बार, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, अप्रोक्सीमेशन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस और पार्टनरशिप, आपका ये सिलेबस रहता है, ध्यान रखिएगा। तो देखो इसको जो हम पढ़ने वाले हैं वो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो मैंने कंसेप्ट वाइज चैप्टर्स को बांटा है बेटा। तो कंसेप्ट वाइज का मतलब है, जैसे कंसेप्ट ऑफ परसेंटेज आ जाता है तो इसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो इस सभी जो चैप्टर्स हैं आपके परसेंटेज पर बेस्ड है, इस बात को ध्यान रखना। आगे आ जाता है कंसेप्ट ऑफ रेशियो, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन और पार्टनरशिप और एज, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके रेशियो के कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, ध्यान इस बात को आप रखिएगा। अगला कंसेप्ट आ जाता है कंसेप्ट ऑफ टाइम, तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन हो गया, रेस हो गया बेटा, तो ये सारे के सारे टॉपिक आ जाते हैं आपके कंसेप्ट ऑफ टाइम के अंदर ही, जो टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला पोर्शन आपका होता है। अब एक पोर्शन आता है इसमें कंसेप्ट ऑफ नंबर के ऊपर, जिसमें आपका नंबर सिस्टम हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, सेट्स और इंडिसेस बेटा आपका हो जाता है, एससीएफ एलसीएम हो जाता है, एवरेज हो गया, मीन मीडियन मोड आपका हो जाता है, ध्यान रखना। आगे की बात अगर मैं करूंगा तो एडवांस वाले जो पोर्शन है आपके एग्जाम में, एडवांस वाला पोर्शन बहुत आसान आता है, तो इसमें मेंसुरेशन 2D, 3D, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया और प्रोबेबिलिटी हो गया, तो ये हो जाता है आपका कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस। और मैथ के कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे बेटा, ध्यान रखना, 7 से 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। एक एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक नंबर से बेटा सिलेक्शन रुकता है। तो ये सब चीजें आपको कहां पर मिलने वाली है, देखो ये सब हमारा रिजल्ट है, तो ये सब चीजें आपको प्रहार बैच में एयरफोर्स XY02/2025 के लिए जो हमारा बैच है यहाँ पर बेटा आपको मिलने वाली है। इसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड DPP क्लास नोट्स, और जो इसका लाइव ड्यूरेशन होगा 3 महीने में हम सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे। और आपके पास ये बैच कब तक रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अगर आप इसको 30 जून से पहले लेते हो तो आपको ये बैच पड़ेगा मात्र 499 का, लेकिन 30 जून के बाद अगर आप लोगे तो आपको बैच पड़ेगा 999 का, ध्यान रखना। तो इसकी क्लासेस हम 1 जुलाई से स्टार्ट कर देंगे बेटा। ये बैच कहां पर मिलेगा, एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन है हमारी, वहां पर आपको ये बैच मिलेगा, ध्यान रखना। तो मुझे आशा होगी कि आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा मैथ्स में क्या सिलेबस आपका रहता है, और इसी तरीके की वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। आप जुड़े रहना चैनल के साथ में, इसको शेयर एक बार कर देना, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है बेटा। चलिए, तो जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर, कर विजय एग्जामपुर। चलिए, बाय बाय।